करता था, लॉलीपॉप खाता था। वाह हो, आपकी मेमोरी तो बहुत ही रिमार्केबल है। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज अंकित मेप्सी स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँ मिनी कूपर रिमार्केबल। जो भी गाइस, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है और उसको मेंशन किए बिना हम नहीं रह सकते, तो उन चीज़ों के लिए गाइस हम लोग रिमार्केबल का यूज़ करते हैं। तो जो आप लोग के पास गाइस फर्स्ट सेंटेंस है वो है, ही हैज़ अ रिमार्केबल मेमोरी, यानी उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, असाधारण है। नॉर्मल लोगों की गाइस ऐसी नहीं होती, लेकिन उसकी मेमोरी तो बहुत रिमार्केबल है, तो गाइस इससे उसको हम मेंशन किए बिना नहीं रह सकते। तो गाइस इस तरीके से हम लोग रिमार्केबल को इसमें फिट करते हैं। अब चलेंगे हम इसके अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है, द एरिया इज रिमार्केबल फॉर इट सीनरी, एंड जो एरिया है, जो गाइस जगह है वो रिमार्केबल है, असाधारण है, फॉर इट सीनरी, इसकी सीनरी के लिए। तो गाइस इस तरीके से हम लोग रिमार्केबल को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिमार्केबल का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अगर गाइस अच्छे से समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसके मीनिंग को अपने शेयर कीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का गाइस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।